अभी हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी बीटा। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन करा? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, मतलब वॉल्यूम का चेंज देख रहे हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेगेटिव साइन समझ गए क्यों आता है, नेगेटिव हम लेके आए हैं बाहर से, इंड्यूस किया है नेगेटिव, क्यों किया है इसको बीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो उसने नेगेटिव होना है, ये अगर नेगेटिव है तो उसने पॉजिटिव होना है, तो ओवरऑल उसने क्या आना है, नेगेटिव आना है। तो नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए हम बाहर से एक नेगेटिव लेके आगे, तो हमने रख दिया इसमें बीटा। अच्छा, अब इसके देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, बीटा की यूनिट क्या होगी। अच्छा, बीटा की यूनिट क्या होगी, अच्छा आप सब लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज भी वॉल्यूम का ही तो होगा ना, वॉल्यूम में चेंज वॉल्यूम का ही होगा, तो ये क्या है, वॉल्यूम है, और नीचे भी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम की यूनिट कट गई, तो क्या बचा, केवल प्रेशर बचा। अब प्रेशर की यूनिट जो होगी वही डिपेंड करेगा बीटा की यूनिट क्या होगी, बीटा की यूनिट प्रेशर की यूनिट पे ही डिपेंड करेगा कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। जनरली अभी यहां पे समझते हैं प्रेशर क्या है, नॉर्मली फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की, पास्कल, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसकी यूनिट आ जाती है, बीटा की यूनिट आ जाती है 1/पास्कल, या इसको हम बोलते हैं पास्कल इनवर्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल इनवर्स बोलते हैं, पास्कल की पावर -1, पास्कल इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट भी हमने देख ली इसकी। अच्छा, बात करते हैं अब फॉर परफेक्ट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, जो फ्लूइड परफेक्ट इनकंप्रेसिबल है मतलब ये कंप्रेस नहीं होने वाला। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी है क्या, कंप्रेस होने की एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कंप्रेस होने की एबिलिटी। अब कोई चीज ऐसी है जो परफेक्ट इनकंप्रेसिबल है, मतलब वो बिल्कुल इनकंप्रेसिबल होगी ही, वो बिल्कुल इनकंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकती, तो उसकी कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी हो गई, जीरो। उसकी कंप्रेस होने की एबिलिटी कितनी हो गई, बिल्कुल जीरो, है ना। तुम चाहे प्रेशर में कितना भी चेंज कर लो, वॉल्यूम का चेंज कितना आने वाला है, जीरो, क्योंकि वो कंप्रेस हो ही नहीं रहा, उसका वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, समझ में आई बात। तो फॉर परफेक्ट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बीटा विल बी इज इक्वल टू जीरो, बीटा विल बी इज इक्वल टू जीरो, बीटा विल बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, मैंने दो फ्लूइड लिए हैं, दो फ्लूइड लिए हैं एग्जांपल समझाने के लिए, दो फ्लूइड लिए हैं, एक फ्लूइड है ए, एक फ्लूइड है बी। हमने देखा कि फ्लूइड ए के लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी थी, लेकिन अब हम यूनिट जान गए हैं, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिख देता हूँ इसका, पास्कल इनवर्स, यहाँ पे भी पास्कल इनवर्स, ठीक है। अच्छा, दो फ्लूइड हैं बीटा ए और बीटा बी, ये बीटा कंप्रेसिबिलिटी ए की है, ये कंप्रेसिबिलिटी बी की है, 3 × 10⁻⁴, 8 × 10⁻⁶, ठीक है, पास्कल इनवर्स। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि इनमें से, इन दोनों में से ज्यादा कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है, ज्यादा कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन सा है। बीटा हमें यही बताता है ना, फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है बीटा, तो दोनों में से बताओ हमको, दोनों में से इस चीज को सोचो कि दोनों में से ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा है। तो देखो, दोनों में से ज्यादा कंप्रेसिबल कौन सा होगा, बीटा जिसका ज्यादा होगा। यार, बीटा ज्यादा होने का मतलब क्या है, कंप्रेस होने की एबिलिटी ज्यादा है, तो बीटा ज्यादा किसका है, इन दोनों में से बीटा ज्यादा किसका है, 3 × 10⁻⁴ है यहाँ पे, और यहाँ पे 8 × 10⁻⁶ है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी ना ऊपर वाली, 3 × 10⁻⁴, और ये 8 × 10⁻⁶, तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, फ्लूइड ए इज मोर कंप्रेसिबल देन फ्लूइड बी, फ्लूइड ए जो है वो बी से ज्यादा कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गई किसकी, कंप्रेसिबिलिटी की। अब आ जाते हैं बल्क मॉडुलस पे, बल्क मॉडुलस कुछ नहीं है, बल्क मॉडुलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। क्यों, हमने क्या सोचा, हमने सोचा यार हमारे पास क्या है, एक चीज तो हमें ऐसी है, एक चीज हमारे पास ऐसी है जो हमें बता रही है कि कौन सी चीज ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, कौन सी चीज ज्यादा कंप्रेसिबल होगी, तो दूसरी चीज हमने ले ली, ऐसी चीज ले ली जो हमें ये बताएगी कि कौन सी चीज ज्यादा इनकंप्रेसिबल है, कौन सी चीज ज्यादा इनकंप्रेसिबल है, तो उसके लिए अलग टर्म डिफाइन कर दिया, बल्क मॉडुलस के, के। अच्छा, बल्क मॉडुलस के क्या होता है, जो मैंने सिंपल बताया, द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस, द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस, वेरी सिंपल, के इज इक्वल टू 1/बीटा, के इज इक्वल टू 1/बीटा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, 1−ΔVV∆P, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या आएगा ये सामने, ये सामने जाके इस तरीके से आ जाएगा, V upon dV into delta V.
और ये नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शनल डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का वी बाई डी वी इंटू डी पी, इस तरीके से। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल, उसका उल्टा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी पास्कल्स। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? पास्कल्स। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है। ये क्या बताएगा कि कौन सी चीज ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है, कौन सी चीज ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है। बीटा क्या बता रहा था? कौन सी चीज ज्यादा कंप्रेसिबल है। ये क्या बताएगा? कौन सी चीज ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है। अच्छा, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपको एक चीज करनी है, आपको एक चीज ध्यान देनी है। मैं इस चीज को कराऊंगा, हम लास्ट में एक बाद में जब हमारा एक केवल क्वेश्चंस का सेशन होगा, बीच बीच में क्वेश्चन कराते रहूंगा, लेकिन चैप्टर के खत्म होने के बाद केवल एक पूरा लेक्चर किस पे डेडिकेटेड रहेगा? क्वेश्चंस पे। हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी और ऑब्जेक्टिव भी और कन्वेंशनल भी, सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वहां पे एक चीज हम डिस्कस करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट है। आपको इसमें बताना है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस की वैल्यू कितनी होगी। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, बल्क मॉडुलस आपको पता चल गया क्या होता है, V अपॉन dV इनटू dP, ये होता है। अच्छा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हमारे सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहे, कॉन्स्टेंट। कोई भी ऐसी प्रोसेस, हमारा एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कोई एक प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस के दौरान पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आपको इस चीज को रिलेट करना है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन में आइसोथर्मल गैस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल टू MRT। तो इधर T कांस्टेंट हो गया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से आपको कुछ ये रिलेशन लेके आना है और फिर बतानी है के की वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? इस चीज को आप देखेंगे, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा है एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा कोई भी एक जो सिस्टम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें ना तो हीट अंदर आएगी ना ही हीट बाहर जाएगी। मतलब एक हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम है, ये माना हमारा सिस्टम है। अब ये तो सिस्टम हो गया और ये बाहर का क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, अब ये सिस्टम पूरा का पूरा कैसा है, इंसुलेटेड है। कैसा है? इंसुलेटेड, हमने क्या कर रखा है इसमें, इंसुलेशन कर रखा है हमने। यहां से इधर हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको यहां से रिलेट करना है इस चीज को, और यहां से इस चीज को रिलेट करके आपको फिर से ये करते हुए के की वैल्यू बतानी है। कोशिश कीजिएगा, मैं करूंगा इसको, फिर चिंता नहीं करनी, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा देखना है, और इसी बहाने आइडियल गैस इक्वेशन का भी रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बाद में मैं कराऊंगा ये, वरना कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बल्क मॉडुलस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की, और जिसके बारे में हम बहुत डिस्कशन करते रहेंगे थ्रू आउट द फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स, हम बहुत डिस्कशन करते रहेंगे इसके बारे में। ये है विस्कोसिटी। ये क्या है? विस्कोसिटी है। अच्छा, विस्कोसिटी का आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में हमारा अच्छा खासा डिस्कशन चलेगा अभी, विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी होती क्या है? अच्छा, विस्कोसिटी को कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग अभी हम अभी फ्लूइड में हैं। अच्छा, हम कौन से फ्लूइड में हैं? हम हैं एयर में। एयर क्या है? गैस है। गैस भी क्या होता है? फ्लूइड। तो हम अभी फ्लूइड में हैं, हम बचपन से इस फ्लूइड में चलते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रैक्टिस है इस चीज की। लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरते हो, जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में उतरते हो, नदी में उतरते हो, पानी कहीं पे होता है, आप पानी में थोड़ा डूबे रहते हो, थोड़ा आप पानी में चलने की कोशिश करते हो, तो पानी में चलना ज्यादा आसान होता है एयर में चलने से, कि एयर में चलना ज्यादा आसान है पानी में चलने से? तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस होगा कि पानी में चलना ज्यादा आसान है, ज्यादा टफ है, पानी में चलना ज्यादा टफ है, पानी में जाना ज्यादा टफ है। ठीक है,
अब पानी में चलना ज्यादा टफ हमें क्यों लगता है? ठीक है, अच्छा पानी से अगर हम किसी और फ्लूइड में उतर जाएं, किसी और फ्लूइड में उतर जाएं, कुछ और फ्लूइड में उतर जाएं, तो उसमें चलना और आसान या मुश्किल हो सकता है पानी के रिस्पेक्ट में? उसमें चलना और आसान या मुश्किल हो सकता है पानी के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर मैं पानी में चल रहा हूँ, अगर मैं पानी में चल रहा हूँ, पानी में चल रहा हूँ, जैसे मेरा हाथ है, मैं पानी में ऐसे इसको ले जा रहा हूँ, तो ये हाथ कर क्या रहा है? ये हाथ कर क्या रहा है? देखो, ये हाथ कर क्या रहा है? ये पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स। अब यहां से मैं आया, इधर से मैं आया, तो अगर मुझे यहां से यहां आगे बढ़ना है, मुझे यहां से यहां आगे बढ़ना है, तो मुझे इन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मुझे इन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूल जब डिस्प्लेस होंगे तो मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा। मॉलिक्यूल्स जब डिस्प्लेस होंगे तो मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा। अब जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स उस रिलेटिव मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं पानी में चला, तो मैंने पानी में चलने के लिए क्या किया? मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या किया? डिस्प्लेस किया। पानी के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं डिस्प्लेस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो वो मॉलिक्यूल्स उस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं रिलेटिव मोशन को। और ये अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, ये अपोज करने की टेंडेंसी आती है एक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। समझ में आए? मैंने कहा पानी के मॉलिक्यूल्स या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स में अगर तुम फ्लूइड में चलते हो तो तुम मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करते हो। मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होते हैं तो मॉलिक्यूल्स में आपस में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन जब होता है तो वो रिलेटिव मोशन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, वो फ्लूइड, वो मॉलिक्यूल्स उस रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं, और इसी जिस रीजन से वो उसको अपोज करते हैं उसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर फ्लूइड स्टैटिक है, फ्लूइड रेस्ट पे है, तो उसपे कोई विस्कोसिटी, उसपे कोई रेजिस्टेंस नहीं आने वाला। देखो, फ्लूइड स्टैटिक है तो जो मॉलिक्यूल जहां है वो उसी तरीके से हैं, उनके बीच में ज्यादा कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा तो ठीक है, तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, वैसे ही एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस आने लग जाता है, और उसी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है उसी को बोलते हैं हम विस्कोसिटी। समझ में आई बात? इसीलिए यहां पे लिख दिया गया है कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच कम्स इनटू पिक्चर व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग, विच कम्स इन पिक्चर व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओनली एंड ओनली लगेगा यहां पे, ओनली लगेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी तभी पिक्चर में आती है जब फ्लूइड क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, फ्लूइड में रिलेटिव मोशंस होता है लेयर्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, अब ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया है द प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंट्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू द मोशन और फ्लूइडिटी इज नोन एज विस्कोसिटी। फ्लूइडिटी भी क्या है? प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, बहने की प्रॉपर्टी, बहने की प्रॉपर्टी, बहने की मतलब मोशन, रिलेटिव मोशन होता है ना जब मॉलिक्यूल्स का, जब एक बहता है फ्लूइड, तो समझ में आई बात? तो ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड्स में लेयर्स, फ्लूइड की लेयर्स या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करते हैं एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को। सिंपल, इसको बोलते हैं कि हम विस्कोसिटी। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आगे, चिंता मत करो विस्कोसिटी पे। अच्छा, अब बात करते हैं रीजंस टू विस्कोसिटी, कि भैया ये विस्कोसिटी आ क्यों रही होगी, ये क्यों आ रही होगी। तो फ्लूइड्स में थोड़ा और अंदर चलते हैं, मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। फ्लूइड में थोड़ा और अंदर चलते हैं, फ्लूइड में थोड़ा और अंदर चलते हैं, तो हमने देखा कि यार मॉलिक्यूल्स के बीच में ना एक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, फ्लूइड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं उनका नाम होता है कोहेसिव फोर्सेस। देखो, दो टाइप के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूलर, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, मतलब H2O का H2O के साथ किसी और मटेरियल का उसी सेम लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। लाइक मॉलिक्यूल, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। अच्छा,
अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस, मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, एक H2O का है, एक O2 का है, एक आयरन का है, एक O2 का है, ठीक है, मतलब अनलाइक मॉलिक्यूल्स जो एक जैसे नहीं है उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस को बोलते हैं क्या, एडहेसिव फोर्सेस। तो यहां पे लिक्विड के अंदर की बात कर रही है ना, इंटरनल बात हो रही है ना, इंटरनल, तो इंटरनल कौन से फोर्सेस होंगे, कोहेसिव फोर्सेस, तो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लासरूम का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, सारे के सारे बच्चों के बीच में उनको मॉलिक्यूल्स ले लो, उन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, दूसरों ने अपने हाथ पकड़े हुए इस तरीके से, सबने ऐसे करके एक रो में अपने हाथ पकड़े हुए हैं। अब मुझे यहाँ से वहां, मुझे क्लासरूम में, ये मेरे आगे क्लासरूम है, यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ से आगे मूव करना है, बीच में बच्चों ने अपने हाथ पकड़े हुए हैं, तो मुझे आगे अगर बढ़ना है तो मुझे बच्चों को डिस्प्लेस कराना पड़ेगा ना, एक इस तरीके से बच्चों को डिस्प्लेस कराना पड़ेगा ना। अगर उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी तरफ से क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, उनकी तरफ से क्या आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उनके आपस के अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है रिलेटिव मोशन को। तो एक रीजन तो ये हो गया विस्कोसिटी का, समझ में आया, एक रीजन तो ये हो गया विस्कोसिटी का। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अच्छा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स के अंदर की बात हो रही है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास टाइम वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास टाइम वेलोसिटी, मतलब किसी मॉलिक्यूल का कुछ मास है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अच्छा हमें यह भी पता है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स में चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, लिक्विड और गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, अभी 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 आगे अच्छे से आते हैं इस चीज पे, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अच्छा रैंडम मोशन जब मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं तो आपस में क्या करते रहे, टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अच्छा जब टकरा रहे हैं आपस में तो एक के अंदर कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी है, वो जाके दूसरे पे टकराया तो उसने अपना जो मोमेंटम है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। मैं ऐसे भागते हुए जाऊं और मैं भागते हुए जाके किसी और इंसान पे टकरा जाऊं सामने, तो क्या होगा, मेरी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी और वो रुका हुआ इंसान धक्के से आगे जाएगा, वो कुछ वेलोसिटी पकड़ लेगा, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम को ट्रांसफर करना, मैंने अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अच्छा देखो तो मॉलिक्यूल्स भी क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनका मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होता है। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, फिर से एग्जांपल ये हो जाएगा, जैसे क्लासरूम का एग्जांपल देता हूँ, क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, अब स्टूडेंट्स को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो खड़े हुए और खड़े होकर चलने लग गए, इधर उधर रैंडम मोशन करने लग गए, स्टूडेंट्स क्या करने लगे, अचानक खड़े हुए और रैंडम मोशन करने लगे इधर उधर। अब मुझे ये क्लासरूम है, बीच में यहाँ पे बच्चे हैं, वो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं इस तरीके से, और मुझे इस कोने से उस कोने में जाना है, तो अगर मैं यहाँ से फ्रंट से आगे तक जाऊंगा, अब यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से अगर मैं वहां तक जाता हूँ, आप यहाँ तक जाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बच्चे इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे चला, फिर किसी का धक्का लगा, मैं इधर चला गया, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर किसी का धक्का लगा, फिर मैं इधर चला गया, तो क्या हो रहा है कि मेरे मोशन को मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ इजिली, फ्लूइड में मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ इजिली, एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से, मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, समझ में आई बात। तो ये दोनों कारण हैं, ये दोनों कारण हैं, अच्छे समझ में आई बात, ये दोनों कारण हैं फ्लूइड के अंदर मूवमेंट को या मोशन को रजिस्ट करने की टेंडेंसी जनरेट करने के लिए, समझ में आई बात। अब देखो होता क्या है, ये दोनों रीजन है, एक है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, दूसरा है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि ये इस तरीके से रैंडम मोशन करते रहते हैं, ये मूव करते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मॉलिक्यूल्स, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा ना, अगर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा लिक्विड्स, जब मैंने सॉलिड लिक्विड और गैसेस बताए थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि लिक्विड्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं और ना ही अट्रैक्शन फोर्सेस इतने कम होते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज जाए, मतलब कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वही फोर्सेस है हमारे कोहेसिव फोर्सेस, वही फोर्सेस है हमारे कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। अच्छा तो लिक्विड्स के केस में मेन रीजन विस्कोसिटी का होता है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, लिक्विड्स के केस में मेन रीजन जो होता है विस्कोसिटी का वो होता है मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस,
क्योंकि उसके अंदर इतने अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कि वो अपने वॉल्यूम को एक जैसा रख सके। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, कौन से फोर्सेस उनके पास होते हैं, इसलिए विस्कोसिटी का जो रीजन होता है, ये वाला रीजन ज्यादा डोमिनेट करता है किसमें, लिक्विड्स में। ये पहला रीजन लिक्विड्स में ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। गैसेस की बात करते हैं, अब गैसेस में हमने देखा है, हमने उस टाइम भी देखा था कि गैसेस में नेग्लिजिबल कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, आपस के अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ही कम या बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। जब आपस में अट्रैक्शन है नहीं, कोहेसिव फोर्सेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, तो जो विस्कोसिटी का मेन रीजन हो जाएगा वो हो जाता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं, और आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो जो गैसेस में जो रीजन डोमिनेट करता है वो करता है ये वाला रीजन डोमिनेट। समझ में आई बात? यही यहां पे लिखा हुआ है नोट पॉइंट में कि इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस आर द मेन रीजन फॉर विस्कोसिटी, एंड इन गैसेस ड्यू टू वेरी लेस और नेग्लिजिबल कोहेसिव फोर्सेस द मेन रीजन फॉर विस्कोसिटी इज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ये बात अच्छे से समझ में आई? विस्कोसिटी क्या है, पिक्चर क्लियर हुई थोड़ी सी? ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। इस पे अभी हम आगे बहुत डिस्कशन करने वाले हैं, विस्कोसिटी पे आगे और डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस के केस में ये डोमिनेट करेगा, समझा दिया क्यों? लिक्विड्स के केस में ये डोमिनेट करेगा, समझा दिया क्यों? विस्कोसिटी होती क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आता है रिलेटिव मोशन को। समझ में आई बात? और वो ये इन दोनों के विस्कोसिटी की, यहां से विस्कोसिटी पैदा होती है, यहां से विस्कोसिटी पैदा होती है, ठीक है। इसको हम अभी आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है, ठीक है।